हेलो दोस्तों। तो यार देखो, जो मैंने ब्रश सेट मंगवाया था वो आपके सामने है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर अगर जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनके लिए बता दें, मैंने ब्रश सेट, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें पेड़ की डिटेलिंग और पहाड़ की डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी और बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, थोड़ी थोड़ी ना, जैसे पेड़ पर डिटेलिंग कर रहे हो तो उसमें ना थोड़ा थोड़ा ना जो उसका ट्रंक होता है उस पर ब्राउन कलर अप्लाई करो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर ना कभी कभी जो ब्राउन को डार्क करने के लिए तुम ब्लैक मिक्स कर दो, और अगर तुम्हारा ब्राउन मतलब लाइट करना है तुम्हें तो ब्राउन पे ही हल्का सा वाइट कर दो तो तुम्हारा लाइट हो जाएगा। तो किसी भी कलर को डार्क करने के लिए ब्लैक मिक्स करते हैं और लाइट करने के लिए वाइट मिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं कहीं कहीं जैसे पेड़ में अप्लाई कर रहा हूँ ब्राउन कलर पतले ब्रश से, तो तुम्हें भी वैसे ही करना है, ठीक है। देखो यार, जो भी कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो सारे कलर मैंने राइट में रख रखे हैं, तो वहाँ से ध्यान से देखो कि मैं कौन कौन से कलर ले रहा हूँ और मिक्स कर रहा हूँ, और उन दो कलर को वैसे मिक्स करो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। जैसे देखो, इसमें मैंने येल्लो और ग्रीन मिक्स करा, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा और येल्लो मिक्स कर दिया, तो मतलब मैं इसे लाइट बना रहा हूँ। और फिर लाइट बना के देखो, फिर मैंने करा है तो मैंने मेन उसका जो पत्ता है वो उसके ऊपर वाले पार्ट पर अप्लाई करा है, ताकि उसकी ऊपर वाली शाइन जो धूप की आती है वो दिखे इस वजह से, ठीक है।
अब देखो, अब ना मैं तुम्हें पहाड़ भी बताऊंगा कि पहाड़ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा, उस पर थोड़ी थोड़ी सी ना बर्फ़ जमी हुई है, तो वो कैसे दिखाओगे तुम? ठीक है, तो देखो ऊपर तो वाइट कर दो, और तुम्हें पीछे वाले पहाड़ को थोड़ा सा लाइट भी करना होगा, मतलब उस पर थोड़ी धुंध की लेयर भी देनी होगी, तो वो भी कैसे देंगे वो भी बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम बस डिट्टो मेरी तरह करते रहो, तुम्हारा होता जाएगा सेम वैसे ही। ठीक है, जैसे देखो, और ब्रश में कैसे कैसे चला रहा हूँ इसका भी ध्यान रखो थोड़ा, क्योंकि अब हम डिटेलिंग पार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने बेस सेट किया था तो उस वक्त ब्रश चलाने का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना था, लेकिन अब जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ ना, तुम्हें वैसे ही चलाना है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल चला रहा हूँ वहाँ हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे वर्टिकल में चला रहा हूँ ऊपर नीचे चला रहा हूँ वहाँ पे ऊपर नीचे, जहाँ साइड वाइज चला रहा हूँ वहाँ साइड वाइज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का तुम ध्यान रखो बस, तो तुम्हारा होता जाएगा। ठीक है, तो तुम ये समझ गए होगे। अब देखो, अब मैं बादल पे धुंध दूंगा। ठीक है, तो धुंध देखना मैं कैसे दूंगा। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ छोटे ब्रश से, तो इतना अच्छा नहीं आ रहा। फिर मैंने ना थोड़ा फ्लैट ब्रश लिया, उसमें वाइट कलर बहुत मिलाया, और फिर पानी मिलाया। देखो मैं पानी कितनी बार मिला रहा हूँ, देखो। फिर उसके बाद बिल्कुल अप्लाई कर दो उस वाले उस पर, और पानी अगर ज़्यादा मिलाओगे ना तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और बिल्कुल धुंध जैसा लुक आएगा। देखना अभी जब मैं अप्लाई कर दूँ कितना प्यारा लुक आएगा पहाड़ का। देखो आ रहा है ना लुक, बिल्कुल देखो वाइट ऐसा लग रहा है जैसे उस पर धुंध हो। देखो मैं पानी मिक्स मैंने बहुत ज़्यादा करा हुआ है ब्रश पे, तो इस वजह से मतलब उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वाइट की, वो दिख रही है पीछे, मतलब पहाड़ पीछे वाला पहाड़ जो है वो दिख रहा है।
थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर दो बस पत्तों पे, जो हमने कल करा था बस कलर बना के सेम वही तुम ऐसे डिटेलिंग कर दो। मतलब कल नहीं करा था, जो हमने 3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी हमारा 6th लेसन जो था उस पर करा था, ठीक है? तो तुम बिल्कुल वैसे कर दो डिटेलिंग हल्की हल्की और तुम्हारा वो वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।